चैनल पूजा व्लॉग। और रुद्राज देखिए जैसे कि रेडी हो रही है। देखिए कहाँ कहाँ की तैयारी है दू? मंदिर। कहाँ जाना है? ऊपर देखो, ऊपर देखो, पर्स। मैडम का पर्स लेने का तरीका देखिए, ये देखिए पर्स लिया है मैडम हमारा। तो अभी हम लोग घर का पूजा हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं दू? मंदिर। मंदिर जा रहे हैं हम लोग क्योंकि आज है गुरुवार, है ना? पता है इनको। तो चलिए चलते हैं मंदिर। एक्चुअली ये ब्लॉग शूट नहीं करने वाली थी लेकिन मैंने बोला कि आप लोग भी मंदिर का दर्शन कर लीजिए, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं शूट करूंगी। अब आगे देखते हैं कि अद्दू शूट करने देती है कि नहीं। ठीक है, तो बस चलिए चलते हैं अब मंदिर। और ऐसी पर्स लेकर जाओगी क्या? ऐसी मजा है, है ना? तू कहाँ जा रही हो घूमने? हाँ अच्छा लगता है। हम लोग आ गए हैं बाहर और ये देखिए अद्दू। अद्दू ऊपर देखो। भैया कहाँ गया? कहाँ गया भैया? रुद्रांश चला गया। यहाँ सामने छोटा सा एक गार्डन है, वहाँ दौड़ के बोल रही। तो वही ये भी बोल रही है मत दौड़ो मत दौड़ो। और अद्दू देखिए ये वाला जो रोड है, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं आती हैं। डॉगी आया, डॉगी डॉगी अद्दू। मौसम बहुत ही मतलब हल्का हल्का धूप है, बहुत ज्यादा धूप नहीं है। रुद्रान चलो आ जाओ ना, जल्दी गाओ। देखिए कितना स्लो मोशन है रुद्रांश हमारा। बंदर मामा, गिरोगे तो नहीं गिरोगे? और अगर गिरे तो क्या होगा? क्या होगा? और उसमें सामान है। हम लोग ने मिठाई ले लिया है और अद्दू ने क्या लिया है दिखाओ। थैंक यू। ये देख, चलो आ जाओ घर पे मंदिर के पास। हम लोगों ने और थोड़ी देर बैठेंगे। मैंने शूट किया था और रुद्राज ने शूट किया था। और ये रहा मंदिर। क्या हो गया? अभी मंदिर में नहीं करते ना झूठा। हम लोग, मैं जहाँ से केला ले रही थी ना वहाँ से इसने एक केला ऐसे ही निकाल लिया और वो केले से पूरा उसने अपना ड्रेस खराब कर लिया था। उसे बीच में मुझे डालना पड़ा डस्टबिन में। अब जो बोल रही है ये भी फाड़। नहीं फाड़ते ना दो। नहीं नहीं, अब हम लोग घर से चलेंगे। चलते हैं घर। और घर जाते जाते कुछ सामान लेना है और भी मिठाई लेना है मुझे। और क्या लेना है? और सब्जी लेनी है और हार लेना है फिर से घर के लिए। तो बस चलिए चलते हैं। चलो आ जाओ, मैं जा रही हूँ। तो ये देखिए इतना सारा सामान, ऊपर से ये दोनों बच्चे। अद्दू तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है इसलिए मैं बाहर निकलना चाहती ही नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मतलब हाथ में अगर सामान रहेगा ना तो बच्चे कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो भी अद्दू जैसे बच्चे होंगे तो बहुत ज़्यादा। ये देखिए फिर से चला गया उधर। अद्दू गाड़ी आएगी, चलो इधर इधर। मेरे अनमोल रतन। मम्मी मम्मी क्या मम्मी? अभी थक गई है, बोल रही गोदी में उठा ले मुझे।
सामान इतना सारा हो गया ना, एक्चुअली मैं थोड़ा ही लेने गई थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेते भी बहुत ज्यादा हो जाता है ना। रुद्रांश अद्दू का हाथ पकड़ लो बेटा। घर पे पहुंचने के बाद मैंने जो है भगवान जी को हार वगैरह चढ़ा दिया है, भोग भी लगा दिया है, बस अब हम मिठाई चढ़ाएंगे और उसके बाद अद्दू रानी का पूजा करेंगे, पूजन करेंगे हम लोग। मेरी मैया रानी अद्दू को हम लोग करेंगे पूजा। ओह इधर इधर टीका निकाल क्यों दिया बच्चा, ऐसा निकाल क्यों दिया बच्चा। हेलो 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 हेलो, गुलाब जामुन खाना है सबसे पहले, ये नहीं ये हेलो। क्या खाओगी? हो गया हमारा, हमारी लक्ष्मी जी का पूजा। जी मेरी लक्ष्मी माता हो, अच्छा चलो तो खत्म करो फटाफट, फिनिश करो करो फिनिश, मैं खिला दूँ। देखिए सब सब इसको मतलब खराब करना रहता है अद्दू को हमारे। लो एक काटो मम्मा के लिए, काटो काटो काटो, गप 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 दिखाओ। देखो वीडियो में बोल रहा है अद्दू कैसे खाती है गुलाब जामुन। तो अब मैं चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी और उसके बाद रेसिपी शूट करना है। तो आज बहुत ही मतलब मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, हेल्दी रेसिपी है, हेल्दी बोल सकते हैं। अभी मतलब अभी के समय में बहुत ज़्यादा लोगों को कफ सर्दी हो रहा है, मेरे घर पे भी सबको हो गया है। तो मैं एक ऐसा चीज़ बनाने वाली हूँ जिसे आप पूरे 7 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और बस उसे आप उसके पीने से मतलब 1 से 2 बार ही ना आपका जो गले का कफ है वो बिल्कुल रिलीफ हो जाएगा। और रुद्रांश को ये खाना था बूंदी, है ना, ये स्वीट के दुकान में जाते बोल रहा मम्मा आज ये ले लो, ये बूंदी खाना है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि पूजा बहुत अच्छे से हो गया मंदिर में। ये देखिए केला खाने का तरीका देखिए मैडम का, हमारी छिलका नहीं निकाली है और केला खा रही है। तो बस इस ब्लॉग को एंड नहीं कर रही हूँ, थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, ये सब मैं निपटा लूँ क्योंकि बाकी सारी चीजें सब वैसी ही पड़ी हुई हैं, वेजिटेबल वगैरह हैं ये सारी चीजें। और आज मैंने मतलब सारे सब्जी ना थोड़े थोड़े लिए हैं, ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो खिचड़ी होता है ना, खिचड़ी मतलब संक्रांत, मकर संक्रांति, देखिए कैसे बैठा है रुद्रांश, मकर संक्रांति, तो उसमें ना मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं, मतलब जितनी सब्जियां होती सब मिक्स करके। और रात को मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो ब्लॉग देखेंगे तब समझ में आएगा कि कैसे सेलिब्रेट करते हैं हमारे यहाँ पे। तो सब्जी सब फ्रिज के अंदर रखना है, दूध उबालना है, बस अब रात को अभी बज रहे हैं 12, आई थिंक 12 बज रहे हैं ना रुद्रांश, 12 o'clock रुद्रांश का ऑनलाइन स्टार्ट, 11:30 हो रहा है रुद्रांश का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा, तो 1:30 to 3:30 तो वैसे चला जाएगा। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आप सभी से। बज रहा है शाम का और देख सकते हैं कैसा पूरा बिखरा पड़ा है मेरा किचन। शाम का बज रहा है 5:30 और यहाँ पर मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ और यहाँ पर चना दाल का तड़का बन रहा है। तो सारा खाना बनने के बाद मैं आपसे मिलूंगी क्योंकि अद्दू शूट नहीं करने देगी और लेट भी हो रहा है, एडिट करते टाइम थोड़ा सा लेट हो गया मुझे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद खाना बनने के बाद। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैंने यहाँ पे खाना बनाकर रेडी कर लिया है। अद्दू ने बनाया है सारा खाना, है ना, पनीर। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि अद्दू बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।